कराची के अंदर भी एक समंदर, पूरा शहर पानी पानी, हर गली हर मोहल्ले तबाही की कहानी, घरों और दुकानों में पड़ा सामान खराब, मलीर नदी बिफर गई, कोरंगी क्रॉसिंग पर कई अफराद लापता, पानी से एक शख्स की लाश बरामद, सुरजानी टाउन, दादा भाई टाउन, यूसुफ गोल्ड फर्नीचर मार्केट और थर्डो डैम के इलाकों में निकासी ना हो सकी, मकीन परेशान। कराची की सूरतहाल पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस, वफाकी इदारों को शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत, मुश्किल किस घड़ी में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आला सिंध का मुख्तलिफ शहरों का दौरा, आवाम फट पड़े, शिकायात के अंबार, सजावल में मुराद अली शाह की मौजूदगी में एहतजाज, रवां साल बारिश का 100 साल रिकॉर्ड टूट गया, पानी की निकासी के लिए तमाम इकदाम करेंगे, वज़ीर-ए-आला का दावा। कराची में बारिशों से हंगामी सूरत हाल, पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी, आर्मी इंजीनियर्स हैवी मशीनरी की मदद से मलीर नदी में पड़ने वाले शिगाफ पुर करने में मसरूफ। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, जलमक्सी में दरियाए मोला बिफर गया, सैलाबी रेला गंदावा शहर में दाखिल, शिगाफ पड़ने से जमीनी राबता मुनकता, मच पुल का एक हिस्सा मुनहदम, कलात के नशेबी इलाके जेरे आब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से बारिश, कई इलाकों में जल थल एक, मुजफ्फराबाद में भी बादल खुलकर बरसे, डडियाल के नदी नालों में तुगयानी, पानी घरों में दाखिल। भारत की फिर आबी जारहियत, दरियाए चनाब और जहलम में बगैर इत्तला पानी छोड़ दिया, 1,60,000 क्यूसिक का रेला हेड मराला पहुंच गया, मंगला डैम में भी पानी की आमद में अचानक 70,000 क्यूसिक इजाफा। हमारी जो पहली शिप है आज कराची, अभी हमें पता चला कि आध घंटा पहले वो बर्थ हो चुकी है, उसका इम्पैक्ट आज ही कराची की मार्केट में आर्टिका आ गया फौरी तौर पर। हालांकि वो 63,000 टन की है, परसों 28 तारीख को भी दूसरी शिप आ रही है, तो तकरीबन 1,30,000 टन की तो एकदम दरामद हो जाएगी। हुकूमत जखीरा अंदोजों को बेनकाब करने के लिए सरगर्म, मार्केट में गंदम की कीमत 100 रुपए कम हो गई, वज़ीर आज़म रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का जायजा लेते हैं, शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गंदम बहरान जखीरा अंदोजी की वजह से पैदा हुआ, फखर इमाम का इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात नाकाम थी, और जो मुझे वहाँ अपने दोस्तों ने वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि फजल रहमान के बड़े ही चुभे हुए सवाल थे, बड़े ही चुभे हुए उसने एतराज़ात किए हैं और बड़े ही अदम एतमाद का इजहार किया, और वो तहरीर लिए बगैर अब उनके साथ नहीं जाए। शहबाज शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात नाकाम हो गई, इमरान खान को नवाज शरीफ के हाथ से निकल जाने का दुख है, उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, ऑपोजिशन का एक ही मुतालिबा है कि नैब को खत्म करो, शेख रशीद की मीडिया से बातचीत। अगर कोई ये कहता है मैं बीमार हूं तो उसका मजाक ना उड़ाएं। आप अपने खिलाफ बात करते हैं जब आप ये कहते हैं ना कि जी नवाज शरीफ हमें धोखा दे के चला गया, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं जी, वो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए चले गए, सारी दुनिया में ने देखा कि हम वो लिफ्टर पे वो गए, भाई झूल दे के चले गए, तो एक्शन करो उनके खिलाफ, पूरी अपनी पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन करो और इमरान खान के भी खिलाफ एक्शन करो जिसने कहा जी मुझे रहम आ गया था। नवाज शरीफ झूठ बोलकर गए तो अपने वुजरा के खिलाफ एक्शन लें, इमरान खान को रहम सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया था, हुकूमत साबिक वजीर आजम के मामले पर लोगों को गुमराह कर रही है, मुशाहिदुल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। मेरी बात मानते तो नवाज शरीफ को जाने ही ना देते, मरियम नवाज इतनी अहम नहीं कि काबीना में जेरे बहस लाया जाए,
सिर्फ फजल रहमान ही हुकूमत गिराने में संजीदा हैं, कोई उनका लीडर बनने को तैयार नहीं। फवाद चौधरी का मजीद इंतजार का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए सयाहत तश्कील दे दी। मौवने खुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी कन्वीनर मुकर्रर। 15 रोज बाद इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद नैब रूल्स तैयार, वजारत कानून को इरसाल कर दिए गए। सदर ममलिकत से मंजूरी ली जाएगी। शराब लाइसेंस केस 18 अगस्त गुजर चुकी। वज़ीर-ए-आला पंजाब नैब के सवालों का जवाब न दे सके। एहतिसाब ब्यूरो का उस्मान बुज़दार को याद दहानी का नोटिस भिजवाने का फैसला। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात के खिलाफ केस की समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब दोबारा अदालत में पेश। ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क को तबाह कर दिया। तोहीन अदालत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, क्यों ना इन्हें जेल भिजवा दूं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान के रिमार्क्स। दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद होशियार, खबरदार। पहली बीवी को हक महर फौरी अदा करना होगा। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी असालसी काउंसिल की इजाजत भी लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पेशावर के शहरी की अपील खारिज। यकम सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रोज के लिए मुकर्रर करने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कीमतों का तायुन नई पॉलिसी के तहत होगा। दस्तावेज दुनिया न्यूज पर। वजीर सेहत पंजाब की जेर सदारत अहम इजलास। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों को मुकम्मल फाल करने के लिए इकदामात का जायजा। टीएचक्यू अस्पतालों में सर्जन्स की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। यास्मीन राशिद। चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से 12 अमवात, 482 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8987 रह गई। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सैयद आयशा नास। और मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। आगाज में आपको खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगान कौमी मुफाहमती काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला अब्दुल्ला को टेलीफोन किया है। पाक अफगान ताल्लुकात के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। एलामिया में ऐसा बताया गया है, अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। वज़ीर आज़म ने इस राबते में ऐसा कहा, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार मुस्बत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया। इस बारे में उमर जट से तफसीलात मालूम करते हैं। जी उमर। और अफगान कौमी मुफाहमती काउंसिल के सरबराह हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला, उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। एक तो इस जो रबते में पाक अफगान ताल्लुकात हैं उनके फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाक अफगानिस्तान दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया और ये कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मजहब, सकाफत और मुश्तरका तारीख और लोगों के माबैन बरादराना ताल्लुकात पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इन बरादराना ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और तमाम शोबों में तावन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया है और ये कहा है कि अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है, बातचीत और सियासी तस्फिया ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की जो मजबूत किरदार है उसको बखूबी पाकिस्तानी हुकूमत निभाएगी और अपना मजबूत किरदार अदा करेगी। इसके साथ आयशा, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि अफगान रहनुमाओं को पायदार अमन, सलामती और खुशहाली के लिए जो सियासी तस्फिये की तारीख उसके उससे फायदा उठाना चाहिए माजी से और जो पाकिस्तान जल्द अज जल्द इंट्रा अफगान मुजाकरात के आगाज का मुंतजर है। साथ ही उन्होंने इस हवाले से डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के लिए बतौर कौमी मफाहमती काउंसिल के चेयरमैन नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और इस अजम का भी अदा किया है कि वो उनके साथ तमाम जो अफगान अमन अमल है उसमें साथ चलेंगे और उनकी हिमायत करेंगे और ये कहा है कि ये काउंसिल कामयाबी के साथ अपने मकासद को हासिल करेगी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला को पाकिस्तान आने की दावत भी दी है और जो अफगान अमन अमल है उसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। उमर जट, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा फैसले के बारे आपको अपडेट करें तो बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को हक मेहर अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा कहा है। साथ ही कहा गया कि मेहर मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल, दोनों सूरतों में फौरी वाजिबुल अदा होगा। यही नहीं बल्कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या फिर सालसी काउंसिल की इजाजत भी लाजिम है। जी हाँ, अदालत उज़्मा की जानिब से करार दिया गया है कि दूसरी शादी के लिए इजाजत का कानून माशरे को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए है। दूसरी शादी के लिए इजाजत के कानून के खिलाफ वर्जी से कई मसाइल जन्म लेंगे। पिशावर हाईकोर्ट का फैसला यूं बरकरार रखा गया है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद जमील को हक के महर फौरी अदा करने का हुक्म जारी किया गया है। इस बारे में मोहसिन एजाज से मजीद मालूम करते हैं। जी मोहसिन, बताइएगा ये फैसला कितने सफात पर मुश्तमिल है, क्या कहता है? मोहसिन से बात करने की कोशिश करेंगे। ताहम आपको बताएं कि पिशावर के रहायशी मोहम्मद जमील ने अहलिया की इजाजत के बगैर दूसरी शादी की थी। पिशावर हाईकोर्ट ने फैसले में यह करार दिया था, जिसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पिशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। कराची में बारिश के बायस कुरंगी क्रॉसिंग का इलाका जेरे आब आ गया है। जैसे कि इससे पहले भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं, मकीनों की मदद के लिए रेस्क्यू इदारों की टीम्स पहुंच गई हैं। सूरत हाल क्या है ये जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके अलावा हमें अशद भी ज्वाइन कर रहे हैं। अशद मलीर से हमारे साथ हैं, जबकि बिलाल नसीर कोरंगी जो क्रॉसिंग है उसकी सूरत हाल हमें बताएंगे। बिलाल, कहिएगा, यूं तो पूरा शहर ही डूबा हुआ है, लेकिन जहां आप मौजूद हैं यहां इर्द गिर्द क्या मंजर है? जो इलाका मकीन है वो कहाँ गए और इंतजामिया कहाँ है? जी बिल्कुल, ये कोरंगी क्रॉसिंग का जो अतराफ का इलाका है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। रात गए जैसे ही जो नदी है वो ओवरफ्लो हुई है, तो तमाम तर जो पानी है वो सड़कों और अतराफ की आबादी में दाखिल हुआ है। अब इसका फ्लो काफ़ी कम हुआ है, लेकिन आबादियों से पानी निकालने का काम बहुत तेज़ी से किया गया। लेकिन इसमें कुछ लोग जो हैं, जो वर्षा यहाँ पर मौजूद हैं, वो कहते हैं कि उनके प्यारे डूब गए। अब तक, अब से कुछ देर पहले एक डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई थी। जो कोरंगी क्रॉसिंग का जो रास्ता है, जो कयूमाबाद से इब्राहिम हैदरी की तरफ जाता है, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डूबा हुआ है। और सैलाबी रेला जो है एक छोटा, वो उस सड़क से गुजर रहा है इस वक्त भी। तो मुकम्मल तौर पर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ है। पुलिस और रेंजर्स यहाँ पर तैनात हैं और जो रेस्क्यू इदारे हैं एहदी के, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं बोटिंग के जरिए, यहाँ पर बोट्स के जरिए जो अतराफ की झाड़ियाँ और पत्थर की मदद से यहाँ पर जो मुश्किल हो रही हैं उनको वहाँ से डेड बॉडीज़ को तलाश करने की अमल जारी है। इस वक्त भी 3 फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने प्यारों की मुंतजर हैं, और उनका यही कहना है कि उनके प्यारे यहाँ पर डूब गए हैं, जिसके जो रेस्क्यू इदारे हैं वो ऑपरेशन कर रहे हैं। जी हाय, इट्स सैयदा शनाज हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग दुनिया न्यूज़। फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। कीप वाचिंग दुनिया न्यूज़।